से नुजी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने 37,000 के ऊपर के भी भाव बनते देखे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कॉटन में नरमी आते हुए दिख रही है। आपको क्या लग रहा है कॉटन में ये जो नरमी है ये क्यों बनती नजर आ रही है और कॉटन में आगे कैसा रुझान रहेगा? देखिए, वैश्विक कारणों की वजह से भाव दिखाई दी है। विश्व के अंदर भी अगर देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में भावों में गिरावट देखने को मिली है। भारत के अंदर भी ज्यादा भाव होने की वजह से हायर लेवल पे जो डिमांड होती है मिलर की, वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है, जिसका असर हमने प्राइसेस में आते हुए देखा और भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी भी हायर लेवल है और यहाँ पर जो डिमांड है वो कुछ कम देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि उसका असर भावों पर रहेगा और भाव आने वाली अवधि में कुछ और नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। जी, तो यानी कि ऊपरी स्तर से जो लिवाल है, जो उठाव है कॉटन का, वो थोड़ा कम देखने को मिला है इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी, जिसकी वजह से कॉटन की कीमतों में अब ये जो नरमी आई है वो देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में अनुजी के मुताबिक कॉटन में हो सकता है कि ये जो ट्रेंड है वो कुछ दिनों तक और जारी रहे, क्योंकि ऊपरी स्तर पर हम देखते हैं कि जो उठाव है कमोडिटी का वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।